हेलो दोस्तों, मैं हूं शान, किसान किराए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसान किराए चैनल के सभी व्यूवर्स को आपके होस्ट शान की तरफ से यानी मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी व्यूवर्स के साथ आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सोयाबीन का दाना भरने वाले टॉनिक से मुक्ति दिलाने वाला हूँ। कई किसान भाइयों ने दाना भरने वाले टॉनिक के बारे में पूछा, तो उन्हें उनके सवाल का रिप्लाई मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है। फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आज भी नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने इस चैनल को यानी किसान किराए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर और उसके पास में एक छोटी सी घंटी है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको खेती से जुड़ी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम दाना भरने की ही बात करेंगे, और आपको वीडियो के लास्ट में दो तीन टेक्निकल भी बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूं और इस साल भी करने वाला हूं। आपको पूरे वीडियो में घुमाने फिराने से अच्छा है सबसे मेन बात आपको पहले ही बता दूं, वो बात यह है कि दाना भरने के लिए कोई भी टॉनिक नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं 99% सही बोल रहा हूँ, दाना भरने के लिए कोई स्पेशल टॉनिक नहीं होता है, क्योंकि दाना भरने के लिए किसी कंपनी ने आज तक ऐसा टॉनिक नहीं बनाया है जो स्प्रे करते ही दाना भरने लग जाए। अब आप में से कई लोग कमेंट में बोलेंगे कि नहीं भाई, दाना भरने का टॉनिक होता है, तो भाइयों पहले ही बोल दूँ, ऐसा कमेंट करते वक्त साथ में उस टॉनिक का नाम भी बता देना तो मुझे भी पता लग जाएगा और मैं भी स्प्रे कर दूँगा। या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मार्केट में इतनी सारी दवाइयाँ मिलती है, तो आपको बता दूँ कि किसी भी दवाई में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद सोयाबीन का दाना भर दे। जो आप सोच रहे हैं वो दवाई आप पौधे की एक्टिविटी ज़रूर चेंज कर सकती है, लेकिन खुद दाना नहीं भर सकती। दाना भरने का काम खुद पौधा ही करता है। जो भी दाना भराता है वो प्राकृतिक रूप से ही भराता है, लेकिन अगर उसी फसल में प्रकृति की मार पड़ जाए तो फिर समस्या आती है, और उन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए ये दवाइयाँ बनी हुई है। दोस्तों, समस्या से मेरा मतलब है पौधों में बीमारी लगना। जब भी कोई फसल अपनी आधी उम्र पार कर लेती है तो उसके बाद उन्हें कई बीमारियों से गुजरना पड़ता है, और उन कंडीशंस में अगर बीमारियों पर कंट्रोल कर लो तो पौधा स्वस्थ रहेगा और अपना काम ठीक से करेगा। अब पौधे के बुढ़ापे में कई सारी बीमारियां लग सकती हैं, उन सभी बीमारियों को एक ही शब्द में बोलेंगे, वो शब्द है फंगस। अब इस फंगस को ख़त्म करने के लिए मार्केट में एक से बढ़कर एक फंगिसाइड मौजूद हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं और आप भी उन्हें जानते हैं। दोस्तों, ये सारी पिक्चर इस फंगस की है। इससे बचने के लिए या फिर इसे ख़त्म करने के लिए जितने भी फंगिसाइड हैं उन्हें यही कहकर बेचा जाता है कि ये दाना भर देगा। अब दाना कौन भरेगा, ये तो आपको पहले ही बता दिया है कि दाना तो खुद पौधा ही भर लेगा, लेकिन फंगस से तो वो खुद को नहीं बचा पाएगा, इसलिए फंगिसाइड डालना बहुत ज़रूरी है। जब आप फंगिसाइड स्प्रे करेंगे तो वह पौधों को बीमारी लगने नहीं देगा, और अगर बीमारी पहले से लगी होगी तो उसे बढ़ने नहीं देगा, जिससे पौधा स्वस्थ रहेगा और दाना ठीक से भर जाएगा। तो कहीं ना कहीं फंगिसाइड उसे उस पौधे की मदद ज़रूर करता है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि वो खुद दाना भर देगा। तो आपने सोयाबीन में जितना भी खर्च किया है उसकी और सोयाबीन की दोनों की लाज बचाने के लिए अब आखिरी फंगिसाइड ज़रूर डाल देना। फंगिसाइड को आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में डाल सकते हैं जिससे फसल में फंगस नहीं लगती, लेकिन फंगिसाइड का सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब उसमें 80% कर आ जाए। इनकी बात करें तो सोयाबीन लगभग 55 से 60 दिन की हो जाए तब इसका स्प्रे करना ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे महंगा वाला फंगिसाइड यूज़ करें, अपने बजट के हिसाब से खर्च करना है। मैं आपको अच्छे फंगिसाइड के टेक्निकल नाम भी बता देता हूँ। ये फंगिसाइड आपको 1,000 रुपये से 4,000 रुपये लीटर तक मिल जाएंगे। अब आपकी मर्जी आपको कौन सा डालना है, काम सभी का एक ही है, फंगस रोकना। बस रेट के साथ साथ क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ये नाम बताने से पहले एक बात बता दूँ कि पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि ये बीघा क्या होता है। मैंने सोचा अधिकतर लोग एकड़ और हेक्टेयर में कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने सभी दवाइयों का डोज बीघा से बता दिया, लेकिन कुछ एरियो में सिर्फ एकड़ और हेक्टेयर ही बोलते हैं, वो बीघा पहचानते ही नहीं है। तो जो दोस्त पूछ रहे थे कि बीघा क्या होता है, तो भाइयों एक एकड़ का आधा हिस्सा एक बीघा होता है, मतलब 2 बीघा यानी 1 एकड़, और जहाँ बीघा छोटे होते हैं वहाँ 2.5 बीघा का 1 एकड़, और 2 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, मतलब 5 बीघा का 1 हेक्टेयर। अब ठीक है, थोड़ा सा समझ आ गया होगा।
अब आपको डोज एकड़ और बीघा दोनों के हिसाब से बता दूंगा। तो दोस्तों आपको टेक्निकल के नाम बताने का बोला था, तो सबसे पहला नाम है प्रोपिकोनोजोल 25%, यह आपको 1000 रुपये से 1200 रुपये लीटर तक मिलेगा। इसका डोज 100 ml बीघा है, यानी 200 ml से 250 ml एकड़। इसका खर्च 100 रुपये बीघा का खर्च है। दूसरा टेक्निकल है टेबुकोनोजोल 25.9, यह आपको 1800 रुपये लीटर तक मिलेगा और इसका डोज भी 100 ml बीघा यानी 250 ml एकड़ है और इसका खर्च भी 180 रुपये बीघा का है। और सबसे ऊंचे रेट में पायराक्लोस्ट्रोबिन, यह 4000 रुपये किलो से नीचे तक मिल जाएगा। इसका डोज भी 100 ml बीघा यानी 200 ग्राम एकड़ है, इसमें एक बीघा का खर्च 400 रुपये है। ये तीनों टेक्निकल बेस्ट हैं, कोई सा भी डाल सकते हो। इनकी प्रतिशत मात्रा कम ज़्यादा होने पर या उनके साथ कोई और टेक्निकल जुड़ जाने पर इनके रेट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 4000 रुपये लीटर या किलो से बाहर एक भी नहीं जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, फंगीसाइड के साथ सिलिकॉन बेस का चिपको डालने में कंजूसी मत करना। इतनी महंगी दवाई डालो तो साथ में 30 रुपये बेगा और बिगाड़ लेना, जिससे आपकी दवाई 100% काम करेगी और पौधे के अंदर तक जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।